कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चटपटा खाने का मन करता है पर बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता। तो चलिए आज हम ऐसी रेसिपी लेकर आए जो मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा और वो भी कम मसाले से। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने 4 आलू ले लिया है और आलू को इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया। तो आप गोल स्लाइसेस में कट कर लीजिएगा और पानी में डाल लीजिएगा। पानी में डालने के बाद इसे निकाल लीजिएगा, मतलब 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। और अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे तेल। तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं पर हम इसे शैलो फ्राई करेंगे दोस्तों। और इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये यहीं पे 90% पक जावे। तो इस तरह से थोड़ा क्रंची हो जाएगा ना, तो निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से एकदम आप फ्राई कीजिएगा ना, तो एकदम सौंधा सौंधापन लगेगा दोस्तों और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। तो चलिए इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गया और आलू का कलर भी चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले दबाकर चेक कर लेंगे कि आलू पूरे तरीके से पका है कि नहीं पका है। तो इस तरह से अच्छे से चेक करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखिए एकदम क्रिस्पी भी हो चुका है आलू दोस्तों। तो आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम उसी कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे और 2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे टमाटर। तो टमाटर नहीं था मेरे पास तो आप डाल दीजिएगा टमाटर। इसके बाद डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो और इसमें कोई मसाला ऐड करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो हमने पहले ही बोला था दोस्तों कि बिल्कुल कम मसाले में तैयार करेंगे, तो इसलिए कम मसाले में तैयार करेंगे। और ये प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो बस आधा गिलास पानी डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद एक बॉयल आने देंगे। इसके बाद जो हमने आलू को फ्राई करके रखा था ना, वो डाल देंगे। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए एक बॉयल आ चुका है और ये हम आलू को डाल देंगे। और इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए ऐसे ही रहने देंगे। और ऊपर से डाल देंगे चाट मसाला। तो आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डाल देंगे फ्लेवर के लिए। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है दोस्तों, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारे आलू की कतली बनके तैयार है। तो चलिए एक बॉल में निकाल लेते हैं और ऊपर से प्याज से गार्निश कर देंगे। तो आप चाहे तो ऊपर सेव से भी गार्निश कर सकते हैं दोस्तों। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखिए चटपटे से कतली बनके तैयार है। तो ये मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा बिल्कुल कम मसाले में। तो आप इस तरह से एक बार घर पर बनाएं और इन्जॉय करें दोस्तों। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो एक बार घर पर ज़रूर बनाएं। और ये आलू की कतली आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर। फिर मिलते हैं, बाय बाय।